एसएफआई इकाई जोगिंदरनगर ने 18 मार्च 2015 को हुए विधानसभा के बाहर लाठीचार्ज में उन तमाम साथियों को याद करते हुए जिन्होंने शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ बलिदानी दी है उनकी याद में संघर्ष दिवस मनाया गया। एसएफआई मंडी जिला सचिव रोहित ठाकुर ने धरने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व 18 मार्च 2015 के दिन हिमाचल प्रदेश के तमाम कॉलेजों व विश्वविद्यालय से लगभग 10,000 छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के समक्ष आए थे। ये तमाम छात्र पिछले 8 महीनों से लगातार अपने अपने कॉलेजों में अपनी मांगों के प्रति संघर्षरत थे। इस संघर्ष के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा छात्र समुदाय के ऊपर अंधाधुंध हमले किए गए। प्रदेश भर में छात्रों को प्रशासन व सरकारी तंत्र द्वारा धमकाया गया। एसएफआई के लगभग 150 साथियों के ऊपर जबरदस्ती मुकदमे बनाए गए। एसएफआई के 7 छात्र नेताओं को विश्वविद्यालय से निष्कासित किया गया व 4 छात्र नेताओं को 82 दिनों के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इसके बावजूद भी छात्र समुदाय अपनी मांगों पर अड़ा रहा और लगातार संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ते हुए प्रशासन व सरकार को चुनौती देता रहा। एसएफआई ने प्रदेश भर के छात्र समुदाय के साथ मिलकर इस आंदोलन को जीतने के लिए हर तरह की कुर्बानी देते हुए बिना कोई समझौता किए तीखा संघर्ष किया। अंत में जब छात्र समुदाय की हर तरह की कोशिश के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने छात्रों की मांगों को नहीं माना तो 2 मार्च 2015 को एसएफआई ने राज्य भर में छात्र अधिकार जत्था नाम से 2 जत्थे निकाले जो प्रदेश के लगभग 60 कॉलेजों से होते हुए ठीक 18 मार्च 2015 के दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर पहुंचा। उस दिन हिमाचल में विधानसभा सत्र चल रहा था और पूरे प्रदेश के 68 विधायक विधानसभा में मौजूद थे। प्रदेश भर का छात्र समुदाय प्रदेश के मुख्यमंत्री व अपने विधायकों से ये सवाल करना चाहते थे कि क्यों उनकी मांगों को पिछले 8 महीनों से अनसुना कर रहे हैं। उस समय छात्रों की मुख्य मांगे थी कि फीस वृद्धि वापस लो, प्रतिवर्ष 10% फीस वृद्धि का निर्णय वापस लो, रूसा CBCS वापस लो, हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करो, सभी कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करो, सभी कॉलेजों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरो, रूसा से संबंधित तमाम समस्याओं का समाधान करो, शिक्षक के बजट में बढ़ोतरी करो, केंद्रीय छात्र संघ के चुनाव बहाल करो इत्यादि। जब छात्र इन तमाम मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे तो प्रदेश सरकार ने पुलिस के माध्यम से छात्रों के ऊपर पानी बरसाया, लेकिन जब छात्र अपने स्थान से पीछे नहीं हटे तो पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर बार बार लाठी चार्ज किया, जिस कारण लगभग 35 से 40 छात्रों को गहरी चोटें आई। 19 छात्र नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। मंडी जिला सचिव एसएफआई जोगिंदर नगर इकाई ने आज ब्लैक डे मनाया है, संघर्ष दिवस का जो हमने रूप दिया है। एसएफआई की राज्य कमेटी ने तय किया है कि हम 18 मार्च को संघर्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। जो प्रदेश भर के अंदर 2015 के दौर में 18 मार्च 2015 को SC इलेक्शन की बहाली को लेकर जो रूसा सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था, तत्कालीन जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रूसा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया और जो भारी फीस बढ़ोतरी हुई उसको लेकर एसएफआई ने प्रदेश भर में जत्था चलाया था और 18 मार्च को विधानसभा के बाहर वो जत्था पहुंचा था और अंदर बजट चल रहा था। बाहर जो छात्र मांगों को लेकर 18 मार्च को विधानसभा के बाहर इकट्ठा हुए थे, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था और तत्कालीन जो वीरभद्र की सरकार है उसने जो सरकार ने किया है आम छात्रों पर किया, बर्बरतापूर्ण जो SMI के बैनर तले छात्र बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया था उसको लेकर हम जो तमाम साथी है उन तमाम साथियों के सैक्रिफाइस को याद करते हुए आज 18 मार्च को संघर्ष दिवस के रूप में मना रहे हैं।